कराची में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी के इलेक्ट्रिक से सख्त नाला, कहते हैं लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई, अगर मसला हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। और लोड शेडिंग इतनी हो रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। रात को बच्चे सो नहीं पाते, पूरा पूरा दिन जो है ना लोग बाहर बैठे रहते हैं गलियों में कोनों पे। लोड शेडिंग जो है तकरीबन 14-14, 15-15 घंटे हो रही है। 40 गज का मकान है अभी, मैं कल इसका बिल जो है ना 9,000 तकरीबन 10,000 रुपये का बिल बन गया है। ये कौन सा तरीका है कि लाइट जाने का? मेरी एक बात सुने, ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा करेंगे ना हम बिजली का बिल भरेंगे, सारे मीटर तोड़वा दूंगी मैं, इसलिए कि बस अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है हमारी। नहीं अच्छा करेंगे तो फिर बाहर निकलेंगी औरतें सारी, हम लोग लेकर आएंगे रोड पे औरतें। बस बहुत ज़्यादा दिन रात परेशान है लाइट की वजह से, और बिल भी भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, मगर वो कि लाइट बस थोड़ी होती है, उसके बाद में फिर चली जाती है, रात को चली जाती है, बल्कि आधी आधी रात को चली जाती है। अब छोटे छोटे घर हैं, कितने परेशान हैं हम लोग कि लगता है जैसे कब्रिस्तान में ही पड़े हैं। अल्लाह गवाह, सिंध गवर्नमेंट और वफाक ने हमारे को बेवकूफ़ बनाया हुआ, क्या नाम है, आवाम को, बिल्कुल आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और कोई काम करके नहीं दे रहे हैं। बिजली देख रहे हैं बिल्कुल ही है ही नहीं यहाँ पर तो।